चले आगे बढ़ते हैं। खबर जशपुर से है, जहां वैवाहिक रस्में पूरी कर नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचे दूल्हे की होश उस वक्त उड़ गए जब उसके दरवाजे पर हथकड़ी लेकर पुलिस उसके स्वागत के लिए खड़ी नजर आई। पुलिस ने दूल्हे को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला जिले के तपकरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल तपकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने दूल्हे पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी दूल्हा अनिरुद्ध सिंह जनपद पंचायत परसाभार में मनरेगा के तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है और पीड़िता ने पुलिस से किए गए शिकायत में बताया कि आरोपी अनिरुद्ध से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान आरोपी ने शादी का वादा कर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया और शादी की बात कहने पर आरोपी कोई ना कोई बहाना बनाता गया। थाना तपकरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मनरेगा तकनीकी सहायक विकासखंड फरसा बाहर में कार्यरत है, उसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और वर्तमान में उसने दूसरा विवाह कर लिया है। इस पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था 376, 313 और 325 एसटीएससी एक्ट के तहत और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जशपुर से यहाँ पर खबर सामने, जहाँ दुल्हन को घर लाने के बाद दूल्हे का कुछ अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। पुलिस हथकड़ी लेकर उसके स्वागत में घर पर मिली। मामला बताया गया कि एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था दूल्हे पर। महिला ने बताया कि किस तरह से प्रेम प्रसंग का उनका ये पूरा मामला था और दूल्हे ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद जब शादी की बात जब कही गई तो दूल्हा किसी न किसी तरह से बातों को आगे बढ़ाता गया। तो शारीरिक शोषण का ये पूरा मामला जिसके आरोप में दूल्हे का स्वागत हथकड़ियों के साथ पुलिस ने किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।